किचन में खाना पकाना और अपने खाने को ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए अक्सर महिलाएं कई तरह के तरीके अपनाती हैं, जिसके कारण महिलाओं को अधिकतर समय किचन में ही गुजरता है। ऐसे में आज हम इस आर्टिकल के जरिए आपके लिए कुछ किचन हैक्स और टिप्स लेकर आए हैं, जिसकी मदद से न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ेगा, आपका समय भी बचेगा। तो नंबर वन देख लेते हैं, आलू के पराठे को ऐसे बनाएं स्वादिष्ट। आलू के पराठे को अगर आप और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो आलू के मिश्रण में थोड़ी सी मात्रा में कस्तूरी मेथी डाल दें। कस्तूरी मेथी मिलाने से आपके पराठे ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएंगे और लोग ज़्यादा पराठे खाना पसंद करेंगे। और नंबर दो, भिंडी की चिपचिपाहट करें दूर। कई लोग भिंडी के चिपचिपाहट के कारण उसे खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप इसकी चिपचिपाहट कम करने के लिए भिंडी बनाते समय उसमें नींबू की कुछ बूंदें मिला दें। नंबर तीन, पूड़ियाँ बनाने के लिए ट्राई करें ये ट्रिक। अगर आपकी पूड़ियाँ भी तेल ज़्यादा सोखती हैं तो आप इसे बेलकर 10 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद पूड़ियों को फ्राई करते समय पूड़ियाँ कम तेल सोखेंगी। नंबर चार, पनीर को ऐसे बनाएं सॉफ्ट। अगर आपका पनीर बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है तो उसे मुलायम करने के लिए आप 10 मिनट तक गुनगुने नमक के पानी में डालकर रख दें। ऐसा करने से आपका पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। नंबर पाँच, पनीर बनाने का
घर पर पनीर बनाने के लिए आप नींबू के स्थान पर फिटकरी का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से कम दूध में ज़्यादा पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो, ज़रूर बताइएगा।